आगे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जयपुर के ओटीएस सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा भी मौजूद हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पहला प्रस्ताव पास हुआ तो प्रस्ताव पास हुआ 500 से 750 और 750 से 1000। मेरे विभाग का प्रस्ताव था तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे दिव्यांग भाई और बहन है, हमारे विशेष योग्यजन भाई और बहन है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि आज उनको एक्स्ट्रा पैसा मिला है और एक्स्ट्रा पैसा 1000 रूपये के स्थान में 1250 रूपये शायद हमने किया है। और वो भी किसी प्रकार की बात होगी तो निश्चित तौर से हमारी सरकार विशेष योग्यजन के लिए काम करने की चेष्टा करेगी। मैं आपसे बहुत चुनिंदा शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस वर्तमान वित्त वर्ष के अंदर राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने विशेष योग्यजन अभियान चलाकर 10,49,163 विशेष योग्यजन का पंजीकरण किया है। उसमें 3,09,552 ऐसे विशेष योग्यजन हैं जिनको यूटीआईडी कार्ड दिया गया है और शेष जो 3,42,000 विशेष योग्यजन रह गए।